गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। टुडे इन केमिस्ट्री क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। यस्टरडे आई स्टार्टेड ए ब्लॉक एलिमेंट इन विच आई इंट्रोड्यूस यू अबाउट द ए ब्लॉक एलिमेंट्स and classified a block element and then electronic configuration given to you. Now today we will see the oxidation state. Okay, oxidation state, oxidation state most stable stable oxidation state of most stable oxidation state of lanthanide noids is +3। ओके, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। बट देर आर सम एलिमेंट्स elements which show +2 and +4 oxidation state। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। एंड दे लीव बिहाइंड दे एंड एंड दे लीव बिहाइंड स्टेबल आयंस, स्टेबल आयंस। ओके, ये जो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो उसमें जो है कि स्टेबल आयंस होते हैं। स्टेबल आयंस कैसे होते हैं, जैसे यूरोपियम को ले लेते हैं, EU, या नोट कर लीजिए पहले, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं EU2+। EU2+ में 7 इलेक्ट्रॉन जो है कि होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं यहाँ पे देख रहे हैं, यूरोपियन +2 के स्टेट में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे स्टेबल हो गई। यहाँ पे इनके लिए +2 में यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, +4 में यहाँ पे एक भी नहीं है तो भी स्टेबल है, और यहाँ पे 7 है तो भी ये स्टेबल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन सीरियम +4 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट।
ओके, सीरियम प्लस फोर के स्टेट में, प्लस फोर के स्टेट में क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में है, ठीक है। इसी तरह से यूबेनियम वाई बी प्लस टू कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन एंड एक्ट एज सॉरी यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो ये हो गया कि सीरियम प्लस टू प्लस फोर के स्टेट में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और जो यूबेनियम है वाई बी प्लस टू ये जो है कि किसका काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। हैव यू नोटेड दिस, ओके। नेक्स्ट वी विल सी हियर द सम एक्सेप्शन विच डू नॉट डू सो, ऐसा जो नहीं करते हैं वो एक्सेप्शंस को भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्सेप्शन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट है जो कि एक्सेप्शन के फॉर्म में है, आई बात सुने, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना, यहाँ पे हमें कई और चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग अगर 3D सीरीज में देखे थे निकालने के लिए वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, तो वहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था वो मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे μ = √n + 2, ठीक है, सिंपल था। जहाँ पे n क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीन ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, तीन आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, तो थोड़ा हमें स्पिन क्वांटम नंबर भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, इसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथिनॉइड्स इज ड्यू टू द इज रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन क्वांटम, ओके, स्पिन क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम एंड
स्पिन एंड ऑर्बिट कह सकते हैं, ऑर्बिट ओके। यहाँ पे इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए जब फार्मूला यूज करेंगे तो इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसका जो फार्मूला है, हम फार्मूला ऊपर लिख देते हैं। फार्मूला यहाँ पे है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस l अंडर रूट प्लस 1 वेयर s इज स्पिन क्वांटम नंबर एंड l इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया म्यू ओके। अब इसे इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वैसे लेंथेनाइड मोस्टली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑल द लेंथेनॉइड्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑल द लेंथेनॉइड्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑल द लेंथेनॉइड एक्सेप्ट एल ए प्लस 3 एल यू प्लस 3 एंड सी प्लस 4 आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे नोट करने के बाद। यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। चलिए व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हम लोग ये देखेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का लेंथेनॉइड सीरीज में। ठीक है ना, इसमें क्या होता है पहले ये बता देते हैं। इसमें होता ये है, यहाँ पे जैसे बना है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिकुड़ जाना, मतलब साइज का यहाँ पे छोटे हो जाना। यहाँ पे क्या है कि जिस वे में साइज घटती है वो उस तरह का घटना यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। जैसे डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम 3D सीरीज या 4D सीरीज में देखते हैं, तो जिस तरह से एटॉमिक रेडियाई घटती है उस तरह का यहाँ पे टर्म नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पे जो डिक्रीज होता है वो वेरी वेरी स्लो होता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो रेडियाई होती है वो सबकी सिमिलर दिखाई देती है। तो उस रेडियाई का सिमिलर दिखाई देना किसकी वजह से होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से।
अब चूंकि हम लेंथेनम से रिलेटेड सारे एलिमेंट को देख रहे हैं जिनका रिलेशन लेंथेनम से है, लेंथेनम से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, इसलिए लेंथेनाइड बोलेंगे। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, तो उसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारा है 4F और ये हमारा है 5D और ये हमारा है 6S, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक तो इसी में जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लेंथेनाइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4F में जाता है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4F में, ठीक है। 4F में जाने के बावजूद अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर फोर्स को ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर जा रहे हैं वो पुअर शील्डिंग कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होते तो जो है कि फोर्स को शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो एफ ऑर्बिटल है थोड़ा नीचे आ गया, एफ ऑर्बिटल क्या है थोड़ा नीचे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें जा रहे हैं वो रास्ते में नहीं है, यहाँ पे रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा दिखाई दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स पहुँच जा रहा है, और न्यूक्लियर फोर्स पहुँचने की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है। आई बात समझे, यहाँ पे 4F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग के कारण न्यूक्लियर फोर्स 4F के बाद वाले ऑर्बिटल के पास पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो रही है, छोटी हो जा रही है। बात समझ आएगी नहीं बात, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक धीमी गति से जो डिक्रीज इन साइज होता है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन लेंथेनाइड्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल इज नोन एज क्या कहेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं हम, स्टीडी डिक्रीज इन रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड्स लेंथेनाइड्स ड्यू टू विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर स्टेडी डिक्रीज इन रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ समझ में आया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टेडी डिक्रीज इन रेडियाई
विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू, क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग हमने बता दिया कि जो सपोज कि ये डी ऑर्बिटल है और उसके ये 5d है, ये 4d है, और इधर से न्यूक्लियर फोर्स आ रहा है, इधर से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स को एफ रोक नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है यहाँ से यहाँ पे आसानी से आ जा रहा है, और उस फोर्स के कारण अब ऑर्बिटर अंदर क्यों आ रहा है। लेकिन ये जो डिक्रीज हमें दिखाई देना चाहिए वो क्या है, नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो नोट कर लिया सबने, चलिए नेक्स्ट है। एक चीज यहां पे हम नोट कर देते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। आई बात समझे, चलो भाई अब इसको नोट कर लो। हमने यहाँ देख लिया कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें जो स्टेडी डिक्रीज इन रेडियाई होती है इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन ओवर शील्डिंग करता है और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाता है, इसलिए साइज उस हिसाब से घटते हुए नहीं दिखाई देती है जिस हिसाब से घटना चाहिए, ठीक है। कहीं ज़्यादा जो है कि घट जाती है और सारे एलिमेंट में पाया जाता है, इसलिए सिमिलरिटी वहाँ पे ऑर्बिटल में बनी रहती है साइज में, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे, नोट कर लीजिए इसको पहले, ठीक है, इरेज कर देते हैं हम इसको। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ऐसा क्या चीज हो जाता है, क्या इफेक्ट पड़ता है केमिस्ट्री ऑफ द लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स की केमिस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंसिक्वेंसेस क्या है वो अब यहां पे हम देखेंगे। यहां पे पहला तो ये हो गया, साइज अगर छोटी होती जा रही है तो पहला है कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट नेचर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, साइज छोटी होने की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। और जो ट्राइवेलेंट्स हमारे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ट्राइवेलेंट आयन
आयन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ट्राइवेलेंट आयंस की क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, ट्राइवेलेंट आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, साइज के छोटे होने की वजह से, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, देयर इज डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम Na2Lu, लेंथेनम से ल्यूटिडियम तक बेसिक स्ट्रेंथ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, घट जाता है। आई बात समझे, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डी ब्लॉक में इंक्रीज कर रहा था, वो इंक्रीज यहाँ बहुत छोटा है, बहुत कम है। देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन स्टैंडर्ड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बहुत कम जो है कि इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बनी रहती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ट्विन्स भी मिलते हैं, ट्विन्स मतलब जुड़वा, ठीक है, जैसे कि जीरकोनियम एंड हाफियम, साइज ऑफ नेक्स्ट फिफ्थ है, साइज ऑफ जीरकोनियम एंड हाफियम HF, ओके। इसके अलावा नेबोनियम NB एंड TA, साइज ऑफ जीरकोनियम एंड हाफियम एंड TA एंड PB NB एंड TA हैव सिमिलर साइज, ऐसे लिख देते हैं, इज सिमिलर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड केमिकल ट्विन्स, सो दे आर कॉल्ड केमिकल ट्विन्स। इनकी जो साइज है वो सेम होती है, इसलिए हम इनको केमिकल ट्विन्स कह सकते हैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हो गया यहाँ पे, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे FF ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो दे कैन इम्पार्ट कलर। यहाँ पे नेक्स्ट अब हम कलर के बारे में आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है वो हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने क्या देखा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोगों ने देखा। यहाँ पे दे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
कंटेनिंग अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एलिमेंट्स सो कलर इन फ्लेम ओके इन फ्लेम एफ एफ ट्रांजिशन इन एफ एफ ट्रांजिशन ट्रांजिशन इज पॉसिबल हियर हियर ठीक है यहां पे एफ एफ ट्रांजिशन इज पॉसिबल हियर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन ठीक है तो यहाँ पे हमने कलर देख लिया कि ये भी कलर दे सकते हैं एफ एफ ट्रांजिशन डी डी ट्रांजिशन की तरह यहाँ पे एफ एफ ट्रांजिशन भी हो सकते हैं और इस तरह से ये कलर भी दे सकते हैं ठीक है लेकिन वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जैसे सारे कॉन्सेप्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कलर दे सकते हैं क्योंकि अब ट्रांजिशन होगा तो आज के लिए इतना ही कल के टॉपिक में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्शन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ओके